हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौड़। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एनईपी 2020 के अनुरूप सीबीएसई रिजल्ट सॉफ्टवेयर फॉर क्लास 6 टू 8 के बारे में। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें, जिससे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिले। लेट्स Dive into the video। Excel में बनाया हुआ ये result software पूरा flexible है और easy to use है। यहाँ पर जो fields है उसको open source के तौर पर रखा गया है और आप अपने मन मुताबिक, आपकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको आप update कर सकते हैं। सबसे पहले जो sheet है वो title sheet है। यहाँ पर आपको डिटेल्स जो है वो फिल करनी रहेगी, जैसे कि नेम ऑफ विद्यालय, डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट, स्कूल एड्रेस, ईमेल आईडी, स्कूल एफिलिएशन नंबर, सेशन, क्लास एंड डिवीजन, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट कैटेगरी जो है वो सेट करने के हिसाब से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी थर्ड लैंग्वेज है, उसे मैंने यहाँ पर गुजराती के तौर पर सेट किया हुआ है। आप अपनी जो थर्ड लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं और स्किल सब्जेक्ट को भी सेट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोट टू क्लास, स्कूल कोड, स्कूल कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स का भी डेटा सेट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स सेट कर दी है। यह डिटेल्स पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे और ये फील्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। नेक्स्ट विल बी मेन मेनू। ये पूरा डैशबोर्ड है सॉफ्टवेयर के लिए, जिसमें से हम स्पेसिफिक डिटेल्स जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो प्रोफाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल में फील्ड्स जो फिल की हुई है वो डमी डेटा के तौर पर हमने यूटिलाइज की है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फील्ड्स हमने टाइटल शीट के अंदर भरी थी उसके हिसाब से डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड्स के तौर पर रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, हाउस। यहाँ पर हम टर्म वन और टर्म टू के लिए टोटल अटेंडेंस और नंबर ऑफ वर्किंग डेज ऐड करेंगे। उसके हिसाब से यहाँ पर क्लास टीचर्स का जो रिमार्क है वो यहाँ पर सेट किया जाएगा। ऑप्शनल फील्ड के तौर पर हमने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और आधार कार्ड नंबर सेट किया हुआ है। मैं यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा, जब कभी भी आप डेट ऑफ बर्थ सेट करें, सेपरेशन के लिए यहाँ पर आपको डॉट यूज़ करना रहेगा, जिससे आपको डेट सेट करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेट्स मूव टू द मेन मेनू अगेन। स्टूडेंट प्रोफाइल शीट के अंदर हमने टोटल 43 स्टूडेंट्स के लिए डेटा सेट करने का ऑप्शन रखा हुआ है। अगर आपके स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा हैं, यू कैन ईजिली अपडेट देम by using adding a single or multiple rows as per your requirement। मैं यहाँ पर request करना चाहूँगा, आप जब कभी भी rows add करें, last row के ऊपर आपको rows को add करना रहेगा, जिससे automatically जो content और formulas है वो update हो जाएंगे। Let's get back to the main menu। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं term 1 और term 2 के लिए अलग अलग जो exams हैं, पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 1, पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 2, हाफ ईयरली एग्ज़ाम। उसी हिसाब से टर्म 2 में पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 3, पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 4 और ईयरली एग्ज़ाम को हमने कंसिडर किया हुआ है एज पर सीबीएसई गाइडलाइन। जो आपने सब्जेक्ट्स सेट किए हुए हैं टाइटल शीट के हिसाब से, वह सब्जेक्ट यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस करने को मिलेंगे। आई जस्ट शो यू द डिटेल्स ऑफ इट। मैं यहाँ पर गुजराती की जगह मराठी सेट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू चेक द मेनू अगेन। वी कैन सी दैट द डेटा इज अपडेटेड एज पर न्यू अपडेट
उसी हिसाब से आपकी जो थर्ड लैंग्वेज की डिटेल्स रहेगी। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एज पर आवर अपडेट थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर अपडेट हो चुकी है मराठी के तौर पर। यूजर्स को यहाँ पर जो डेटा है वो मैन्युअली या तो दूसरी शीट में से आप कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़र्स को रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह से आपको डेटा कॉपी करना रहेगा दूसरी शीट में से और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद वैल्यूज़ ऑप्शन को आपको यूज़ करना रहेगा जिससे आपका जो ओरिजिनल डेटा है वो सेट होगा एज अ नंबर। हम यहाँ पर उसका एनालिसिस देख पा रहे हैं, टोटल मार्क्स फ्रॉम 40, सब्जेक्ट एवरेज आउट ऑफ 100, पास परसेंटेज बिलो 33 टू 59, 60 टू 74, 75 टू 89, 90 टू 95 एंड अबो। टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 37। हर एक शीट को लीगल पेज में सेट किया हुआ है, आप यहाँ पर प्रिंटआउट के लिए लीगल पेज यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट शीट के लिए हमने A4 शीट यूटिलाइज की है जिससे आपका रिजल्ट इजीली मैनेज हो पाए। लेट्स गो टू द मेन मेनू। हर एक सब्जेक्ट का डेटा भरने के बाद आप कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पर इस तरह से देख पाएंगे। आप इसमें फिल्टर लगा के टॉप 5 या तो बॉटम 5 स्टूडेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे इजीली रैंक के हिसाब से, जिससे आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स और उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज स्टेटस मिल पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं फर्स्ट रैंक पे के नाम का स्टूडेंट है जिसको हिंदी में 4th रैंक, इंग्लिश में 13th रैंक, मराठी में 7th रैंक, मैथ्स में 5th रैंक, साइंस में 6th रैंक और सोशल साइंस में 2nd रैंक मिला हुआ है। इसकी वजह से हम स्पेसिफिक स्टूडेंट के वीक सब्जेक्ट पर फोकस करके और उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। उसका एनालिसिस हमें यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज एक्सेस करने को मिल रहा है, यहाँ पर क्लास वाइज एनालिसिस भी हमें एक्सेस करने को मिल रहा है। डेटा अपडेट करने के लिए या तो फिल करने के लिए हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट टीचर्स की साइन भी आप वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं जो कंटेंट है उसमें टीचर्स का नाम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। लेट्स गो टू द मेन मेनू अगेन। इसी हिसाब से आपको पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 1-2 का डेटा भरना रहेगा। उसके बाद हाफ ईयरली डेटा यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे। लेट्स गो टू द हिंदी। आपको इंटरनल मार्क्स के तौर पर मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के मार्क्स फिल करने रहेंगे आउट ऑफ 10। यहाँ पर आपको पीरियोडिक रिटर्न टेस्ट 1 और 2 का डेटा ऑटोमेटिकली एक्सेस करने को मिलेगा। आपको सिर्फ मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और टर्म 1 की 80 मार्क्स की थियरी के मार्क्स यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। मार्क्स अपलोड करते ही उसका एनालिसिस हमें यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेगा। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज इसी हिसाब से डेटा फिल करेंगे। टर्म 1 का डेटा फिल करने के बाद टर्म 2 का भी डेटा हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड जो शीट्स है वो हम यहाँ पर यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ईयरली एग्ज़ाम का 100 में से जो रिज़ल्ट है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। उसका पूरा एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। लेट्स गो टू द मेन मेनू। सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स फिल करने के बाद हम स्किल सब्जेक्ट का डेटा यहाँ पर फिल करेंगे। टर्म 1 के लिए 15 मार्क्स थियरी, 35 मार्क्स प्रैक्टिकल, इट वुड बी टोटल एज 50। उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ग्रेड हमें यहाँ पर एक्सेस करने को मिलेंगे। सेम वे वी विल फिल द डेटा फॉर सेकंड टर्म
वो हियर। मैं यहाँ पर एक मैनुअल एंट्री को भी सेट करके दिखाऊंगा, फॉर एग्जांपल 12, फॉर एग्जांपल 32, नेक्स्ट विल बी 8 एंड प्रैक्टिकल वुड बी 34। इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डेटा जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो लर्न द स्पेसिफिक फार्मूलाज फ्रॉम द सेम। हम मेन मेनू में जाएंगे, उसके बाद वर्क एजुकेशन ग्रेड्स, आर्ट एजुकेशन ग्रेड्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड्स, डिसिप्लिन ग्रेड्स, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेट्स गो टू द शीट। ग्रेड में से डिटेल्स फिल करनी रहेगी टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। आप यहाँ से ब्लैंक शीट के तौर पर इसको ही प्रिंट करके यूटिलाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टीचर्स को फिल करवाने के लिए। लेट्स गो टू द मेन मेनू। उसी हिसाब से आर्ट एजुकेशन ग्रेड्स रहेंगे। नेक्स्ट विल बी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड्स। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन ग्रेड्स। नाउ वी विल एक्सेस द फाइनल रिपोर्ट कार्ड ओवर हियर। हम यहां पर देख पा रहे हैं जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ रही है। यू कैन सी होल मार्कशीट ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। CBSE एफिलिएशन नंबर, स्कूल कोड, स्कूल नेम, हिंदी वर्जन स्कूल नेम को आपको यहां पर एडिट करना रहेगा। नेक्स्ट स्कूल नेम विल बी ऑटोमेटिकली फेच्ड बाय द टाइटल शीट। नेक्स्ट विल बी डिस्ट्रिक्ट, वेबसाइट्स, ईमेल, क्लास, सेशन, रोल नंबर वुड बी देयर। यहां पर मेन रोल जो है वो रोल नंबर का रहेगा। आप जो रोल नंबर स्टूडेंट प्रोफाइल के तौर पर फिल करेंगे उसी हिसाब से डिटेल्स यहां पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगी। आई जस्ट चेंज द रोल नंबर ओवर हियर एंड क्लिक एंटर टू चेंज द रिपोर्ट कार्ड। हम यहां पर देख पा रहे हैं जो स्टूडेंट डेटा है वो चेंज हो चुका है। टर्म 1 और टर्म 2 के लिए कैलकुलेशन हम यहां पर देख पा रहे हैं, उसके परसेंटेज हम यहां पर एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट विल बी ग्रेड। यू कैन ऑल्सो सी द ओवरऑल परसेंटेज ओवर हियर, देन ओवरऑल ग्रेड फॉर द सेम, क्लास रैंक वुड बी दैट। यहां पर हम देख पा रहे हैं जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है उनका जो क्लास रैंक है वो टोटल 27th रैंक पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट विल बी स्किल सब्जेक्ट। स्किल सब्जेक्ट के तौर पर आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एक्सेस करने को मिलेंगे। नेक्स्ट विल बी स्कोलास्टिक्स एरिया, टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए हम यहाँ पर स्टूडेंट डेटा चेंज करेंगे एज 1। टर्म 1 और टर्म 2 के तौर पर हम यहाँ पर ग्रेड्स एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपका डेटा फिल्ड नहीं होगा इट वुड बी सेटेड एज 0। नेक्स्ट टीचर्स रिमार्क्स, प्रमोटेड टू क्लास। नेक्स्ट विल बी सिग्नेचर ऑफ क्लास टीचर, एग्जाम इंचार्ज, सिग्नेचर ऑफ वाइस प्रिंसिपल, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, अटेंडेंस वुड बी देयर फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2। इट वुड बी कंसोलिडेटेड ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट विल बी ग्रेड डिस्क्रिप्शन ओवर हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट विद डेट। इस हिसाब से पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो हम एक्सेस कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, हम डेफिनेटली आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। यह सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन वीडियो नेम, देन क्लिक ऑन डाउन एरो और शो मोर ऑप्शन, वहां से आपको यह सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक मिल जाएगी। और एल्स यू कैन डायरेक्टली एक्सेस आवर ब्लॉग, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको एक्सेस करने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.